नाउ क्वेश्चन नंबर फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बट 1 माइनस कॉट थीटा बटा में 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। तो हम इसको वैल्यू को फाइंड करते हैं क्योंकि माइनस 1 वाला तो ऑप्शन होगा, प्लस 1 वाला तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी तो ऐसे ही नहीं होगा, या तो सी हो सकता है या फिर डी हो सकता है या फिर ए हो सकता है। सही, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा का ये यहाँ पर होल स्क्वायर है। तो क्या करते हैं, कॉट थीटा को लिख कह सकते हैं, कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, चलिए 1 माइनस कॉट थीटा लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, और टेन थीटा क्या लिख सकते हैं, तो 1 माइनस साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। यहाँ पर स्क्वायर को फिलहाल भूल जाइए, मैं अंतिम में चढ़ा दूंगा। फिर 1 माइनस साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, और यहाँ से साइन थीटा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या होता है 1, तो 1 बटा में साइन थीटा ये हो जाएगा। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा भी 1 होता है, तो 1 बटा में कॉस थीटा ये हो जाएगा। तो यहाँ से कॉस ऊपर जाएगा नीचे साइन आएगा, तो कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा। और यहाँ से स्क्वायर था तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और प्लस का सॉरी माइनस का 1 है तो माइनस का यहाँ से 1 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। यहाँ से स्क्वायर था, मैं आपको दे देता हूँ ताकि आप कुछ डाउट ना हो, ठीक है। ये स्क्वायर है, यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया, तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो कोई भी डाउट होगा कमेंट में जरूर पूछेगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।